सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की उपास प्रार्थना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। मात्र तीन दिन, आज कल परसों, शनिवार इतवार सोमवार, हालेलुया, तीन उपास हमारे बचे हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये उपास आपके बहुत अच्छे परमेश्वर में अनुग्रह में जा रहे होंगे और परमेश्वर आपको और इस्तेमाल करें। आज है प्रातः छुटकारे के लिए और बहुत कुछ आज बोलने के लिए। मिरेकल गवाही आज आपके सामने एक बार फिर मैं कुछ बोलूंगा, अब हैरान हो जाओगे। आई प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आज छुटकारा मिलेगा हर एक को जो इसमें देखने वाला है। हाँ और आमीन के साथ पिता उपास प्रार्थना में मेरी सुधी रहना, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। मेरे अजीत वाक्य में आज का टॉपिक छुटकारा है, वो छुटकारा जो हम सपने भी नहीं सोच सकते। कोई हमें एडवाइस दे सकता है, भैया धीरे धीरे करके छोड़ना, कोई ड्रिंक की आदत है, कोई एडिक्शन है, डॉक्टर हमें सलाह दे सकते हैं, भैया आराम से छोड़ना, अगर एकदम छोड़ दोगे तो अटैक पड़ सकता है, ये हो सकता है। बहुत लोग कहेंगे नहीं मिल सकता छुटकारा, नामुमकिन है जी, हो ही नहीं सकता। छुटकारे का मतलब है चाहे वो कर से छुटकारा हो, चाहे बुरी आदत छुटकारा हो, चाहे शैतान से छुटकारा हो, चाहे एक बीमारी से छुटकारा हो, आज वही जवाब आपको मिलेगा। जब प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देते हैं तो ऑन द स्पॉट काम होते हैं, हालेलुया, और ये बात जिकता जाता है, गवाही मेरे सामने है। आइए प्रार्थना करें वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में पूरा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज आप सब यही बोलोगे कि आज की भविष्यवाणी, आज का वचन मेरे जीवन में पूरा हो और आज मुझे पूरा छुटकारा मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, हालेलुया। आज जो वचन है यहाँ पे, वचन है यहूना 8 और उसका 36वां वचन। यहूना 8 उसका 36वां वचन कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे मती 8 का 36। इसलिए यदि पुत्र यानी कि यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, यानी कि आजाद हो जाओगे। सचमुच आजादी कहाँ मिलती है? यीशु मसीह के पास। कोई व्यक्ति हमें आजाद बोल सकता है, कहके अरे वहां चले जाओ, वहां आजादी मिलेगी, एक दो दिन, एक दो साल, लेकिन रियल छुटकारा परमेश्वर देते हैं। मेरे दोस्त आज वही छुटकारा है। और याद रखना, कोई भी आपको कुछ भी बोले, डॉक्टर बोल रहा है ये बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा, आपके घर वाले बोल रहे हैं इस आदत छुटकारा नहीं मिलेगा, आप खुद बोल रहे हो भाई मैं इस पाप से बाहर नहीं आ सकता। मैं 12 साल की उम्र में, 12 साल जब मैं 12 साल का था, समथिंग इतना याद नहीं, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं, हाँ 12 साल का था मैं, जब से मैं हस्त महसून के पाप में पड़ गया, कैसे मुझे नहीं पता। उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, फोन की तो बहुत दूर की बात है उस समय, और वो पाप बढ़ते बढ़ते अश्लीलता में बढ़ता गया। जब पूरा जवान हुआ 25 साल, तो वो पाप हाई पावर के रेंज में था। 25 साल से लेकर 32 साल तक वो पाप इतना अभिलाषा में बदल चुका था कि हस्त महसून के बिना रहना नामुमकिन था मेरा। ये गवाही मैं आपको मेडिकल गवाही बता रहा हूँ। आज दिन आया 5 जुलाई 2018, उससे पहले 5 जुलाई 2018 से पहले मेरी आवाज आ गई थी कि शायद मुझे छुटकारा मिलने वाला, लेकिन शैतान इतना अटैक पड़ चुका था। क्यों? जब कोई दास किसी का बन जाता है तो उसका गुलाम बन जाता है। मैं पाप का गुलाम बन चुका था, वो मेरे पे हैवी था। छोड़ने की कोशिश करता तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो गया मुझे, बहुत कोशिश करी, रोज अपने आप को कोसता था, गिल्टी फील होती थी ये क्या हो गया। इंटरनेट के द्वारा पाप और बढ़ गया, कुछ ऐसी लड़कियां लाइफ में आई जो पाप और उनसे ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया। और मैं खुद कहता था, मैंने हर जगह इस छुटकारे के लिए भी बोला, मुझे छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए। मेरी लालसा थी छुटकारा, मेरे पाप था मजबूरी। बहुत बड़ी बात प्रभु बता रहा आज, क्योंकि मैं प्रभु के दास का बेटा था, घर में चर्च था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हो सकता है ऐसे बहुत से लोगों, आप प्रार्थना करने जाते हो, आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है, एक गवाही आपको सब कुछ बदल देगी। आज मैं इतना व्याकुल था, कोसता था, गिल्टी फील करता था, अपने आपको मारने की कोशिश करता था बहुत, और हर एक से बोलता था कि मुझे छुटकारा चाहिए, लेकिन वो नामुमकिन था, और बढ़ता गया। प्रभु मुझसे कहते थे तू छुटकारा नहीं ले सकता जब तक मुझे नहीं पुकारेगा, हालेलुया। मैं रात को प्रार्थना भी करता था, लेकिन वो प्रार्थना प्रभु सुनता था लेकिन कबूल नहीं हुई। लेकिन एक समय में सारी प्रार्थना का जवाब मिला, हालेलुया। जब 5 जुलाई आया, 4 जुलाई तक मैंने हंस महसून करा, मुझे पता था कि शायद अब मैं पाप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभिलाषा शतान के बाद इतनी पावरफुल थी कि मैं रोक नहीं पाता था। मोबाइल फोन, मोबाइल कार्ड, सिम, मेमोरी कार्ड अश्लीलता से भरा हुआ था। 5 जुलाई आई और मैं उस मीटिंग की प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु कैंसिल कर, क्योंकि प्रार्थना मैं नहीं करता, पाप जो मेरे में बसा हुआ है। रोमियो आप पढ़ोगे 6-7 वचन में तो उसमें यही लिखा हुआ है। जब पाप मेरे अंदर बढ़ गया और मैं, मुझे खुद पता था इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, एक महीने में एक बार करूंगा, हफ्ते में ऐसे करके छूटेगा, क्योंकि मैंने उसी साल 2018 की बात है छोड़ने की कोशिश करी जनवरी, तो मेरी हालत खराब हो गई, अंदर घुस गया था। 5 जुलाई 2018 की जब शाम आई, मीटिंग में गया और जब वहां से आया तो मैं मर चुका था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आ गई थी, मैं मर चुका का मतलब वो इंसान
मर चुका था ऑन द स्पॉट। वो दिन है और आज का दिन है और आने टाइम का दिन है। हालेलुया, ये परमेश्वर ने बाड़ा बांध दिया, वो पाप को क्षण भर में चुटकी में उठा के खत्म कर दिया। आज उसी परमेश्वर में आपको मिला रहा हूं। वही यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच हो जाओगे। और सचमुच आजादी परमेश्वर की ओर से मिलती है। हम कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन बिना प्रार्थना के असफल रहेगी। पतरस ने भी कोशिश करके सारे रात मेहनत करी, उसे कुछ सफलता, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ करी तो सफलता मिली। आज हो सकता है कि आप भी किसी न किसी पाप के, कर्ज के, कलेश के गुलाम हो। आज आप भी गुलाम हो किसी न किसी के। आज आप कर्ज के गुलाम हो सकते हो। आज आप पाप के, आप क्रोध के, चुगली के, गाली के, आंखों के अभिलाषा के, फोन के, एडिक्शन किसी न किसी में हो। हिम्मत मत हारो, क्योंकि इस गवाही ने आपकी जीवन बदला है। जब पर मुझे क्षण भर में आजाद कर सकता है। 20 साल से जो पाप रम चुका था, मैं कहता था कि कोई खुदा है ही नहीं जो उस पाप को हटा सके, क्योंकि नशे से ज्यादा एडिक्शन होता है हस्मैसन मर्तबेशन का पाप सबसे बढ़कर होता है। क्यों? क्योंकि सोचने से आता है। नशा कभी सोचने से चढ़ेगा? हर पाप बड़ा है, हर एडिक्शन मैं जानता हूं। शराबी लोग बहुत कुछ क्राइम कर देते हैं, लेकिन ये पाप तो सोचने से भी आता है, आंखों से भी आता है। ये पाप की जरूरत किसी और साथ नहीं होती, इंसान अपने में घुलता चला जाता है। आज हो सकता है बहुत लड़का लड़की आज देख रहे हो, या आपके घर में कोई ऐसा हो जो हस्मैसन में हो, या किसी ना किसी गुलाम में हो पाप के, किसी ना किसी हो। अरे आज प्रभु कहता है छुटकारा मिलेगा। जब प्रभु अपने दास को बदल सकता है तो आपको क्यों नहीं बदलेगा? हालेलुया, आइए प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, आज बदल दे हर एक को। आज रियल छुटकारा इनकी लाइफ में आए, वो छुटकारा जो आपने मुझे दिया, क्षण भर में मुझे आजाद कर दिया, पलक झपकते के साथ ही। पिता आज एक ही दिन में मुझे आजाद करने वाले परमेश्वर, आज इनको आजाद करो हर वो एडिक्शन से, हर वो आंखों से, हर वो शरीर से, हर कोई भी पाप हो छोटे से लेकर बड़े उम्र तक, आज वो हर वो बंधन श्राप अंधकार टूटे यीशु के सामर्थ्य में। और आज अभी इसी वक्त ये प्रार्थना सुनते सुनते आजादी मिले, आपका हाथ इन पर आए, अभिषेक भरा हाथ आए, जोरावर वाला हाथ आए, ताकत वाला हाथ आए, और मिरेकल कर दो, कर दो यीशु मसीह के नाम में। हर एक मुंह सील हो जाए जो गालियां चुगली करता है, हर एक आंख बदल जाए जो गंदी चीजें देखती है, हर एक मन बदल जाए जो पिता गंदा सोच करता है, हर वो पैर हाथ बदल जाए जिसके द्वारा पाप आता है, और पूरा शरीर बदल जाए क्योंकि वो शरीर आपका मंदिर है। पिता अगर कोई ये कर से परेशान है, बीमारी से है, वो भी छुटकारा मिले। हर एक छुटकारा, रियल छुटकारा इनके जीवन में आ रहा है। हाँ और आमीन के साथ मिल गया, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। छुटकारा पाप से भी है ये प्रार्थना, छुटकारा बंधन से भी है, छुटकारा बीमारी से भी, छुटकारा कर्जे से भी है। हर वो छुटकारा मिलेगा जो आप बंधे हुए हो उस चीज से। हालेलुया, प्रभु आपका आशीष दे। और ये प्रार्थना आप सुनते सुनते जो गवाही देगा जरूर बताना, क्योंकि परमेश्वर ने कार्य कर दिया। जय मसीह।